हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और दोस्तों, थंबनेल देख कर तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम जा रहे हैं मुरथल, और वो भी खाने क्या, पराठा। तो चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ आपको मुरथल। वैसे मुरथल जाने का ना थोड़ा सा रास्ता चेंज हो गया, बिकॉज जब सिंगो बॉर्डर पे वो किसान आंदोलन चल रहा है तो वो टेंट्स लगे हुए हैं। तो आप पहले बाईपास आइए, बाईपास से नरेला आइए, नरेला से आप आइए सबोली, और सबोली से नथुपुरा, और नथुपुरा से NH-44 पे, जिसपे हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। और ये मेरे देखिए राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये वो हमारे किसान भाइयों के टेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो काफ़ी आगे तक NH-44 पे टेंट लगे हुए हैं। आई होप सो जो KMP है ना, KMP वाला जो पुल है वहाँ तक ये टेंट लगे हैं। वैसे रास्ता पूरा छूटा हुआ है दोस्तों, है ना, तो मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई रास्ता बंद होगा या क्या होगा। रास्ता बिल्कुल छूटा हुआ है, आप देख रहे हो कि मैं इतना स्मूथली आ रहा हूँ, और मेरे से आगे सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। पता नहीं भाई क्या जल्दी है इनको आगे जाने की। एंजॉय करो, आराम से चलो, आजू बाजू देखते हुए चलो। भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागो भैया भागो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो नहीं भागना, हम तो आराम से चलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है ना, जो ये है KMP, तो यहाँ तक किसान भाइयों के अपने टेंट्स लगे हुए हैं। इसके आगे रास्ता एकदम मक्खन के माफिक चिकना है, आराम से सीधा चलिए, दबाइए एकदम एक्सीलेटर को, 90-80-100 की स्पीड में चलिए, मगर सेफली चलना दोस्तों, आराम से चलना, सेफली चलना, कोई टेंशन नहीं है। और देखिए अपन तो पहुँच गए मुरथल। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ढाबा दिखने शुरू हो गए होंगे। ये पहला ढाबा जो दिखाई दे रहा है, ये है पहलवान ढाबा, बहुत पुराना ढाबा है ये भी। इसके आगे जो ढाबा मुझे दिखाई दे रहा है, ये है राजा ढाबा। और जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, मंदिर ये वाला है गुलशन ढाबा, मतलब इस मंदिर से आगे, इट्स अ पार्ट ऑफ गुलशन ढाबा ऑल्सो, आई होप सो, मतलब पक्का नहीं है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड पे गुलशन ढाबा, और गुलशन ढाबे के आगे आप देखिए वो है मन्नत ढाबा, मगर मैं आज आपको लेके आया हूँ गुलशन ढाबा। और अब चलते हैं सीधा गुलशन ढाबे की पार्किंग में, गाड़ी को खड़ी करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, अब जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि हम आ चुके हैं मुरथल, और मुरथल फेमस है अपने ढाबों के लिए। आज बड़े दिन हो गए थे मुरथल आए हुए, इवन दो मैं मुरथल के बहुत नज़दीक ही रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, इट वेट ओनली 25-30 किलोमीटर, बावजूद उसके मुरथल आ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और पेंडेमिक टाइम था, अभी भी पेंडेमिक टाइम वैसे चल रहा है। तो आज मुरथल आए हैं और मैं खड़ा हूँ इस टाइम गुलशन ढाबा पे। तो अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं आप लोगों को, और दिखाते हैं गुलशन ढाबा को। वैसे मुरथल में बहुत सारे ढाबे हैं, मगर मुझे पर्सनली 2-3 ढाबे पसंद हैं, उनमें से गुलशन एक है। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, मेन्यू देख लेते हैं। पराठा, स्पेशल मील कॉम्बो, सैलेड, और ये दाल तड़का, स्वादिष्ट सब्जियां, सीजनल सब्जियां, वाह सारी सब्जियां। तो भैया सब्जियों को भी देखो कितने सारी वेराइटीज इन लोगों ने दी हुई हैं। वैसे मेन्यू बनाने में ना कोई बंदा ना परफेक्ट ही होता होगा जो बनाता होगा, स्नैक्स, थाली, इतने सारे आइटम होते हैं ना, तंदूरी टिक्का, स्टार्टर। तो मतलब मेन्यू अगर देखें इनकी तो सारा कुछ है उसमें, रोटी एंड नान, स्लॉट्स ऑफ रोटी एंड नान एंड ब्रेड्स, दही रायता, राइस के भी 4-5 तरह हैं उसमें, फ्राइड राइस इज़ आल्सो देयर, चाट कैफ़े डिफरेंट है, और नंबर ऑफ शेक्स आर देयर, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता, पिज़्ज़ा। तो भैया अब जो ये ढाबे हैं ना, ये सिर्फ पराठे तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं, सारा कुछ इसमें, मॉकटेल्स, स्वीट डिशेस, सूप, मंचूरियन, अरे बाबा चौपसी, मतलब आप नाम लो और वो सारा कुछ है, चाय, चाउमीन सब मिलेगा आपको वहाँ पे, साउथ इंडियन, मतलब सब कुछ है, सब कुछ A-Z। तो दोस्तों आज का ऑर्डर देते हैं अब। तो पहले ऑर्डर में है 2 आलू प्याज पराठा और 2 पनीर प्याज पराठा, अमृतसरी चना कुलचा, 1 तो दही और 1 दाल मखनी। मॉकटेल ले लीजिए आप, ब्लू स्काई, लेमन सोडा सिकंजी, 1 है हमारा डोसा। तो दोस्तों जब तक मेरा ऑर्डर आता है, जो मैंने थोड़ा सा ऑर्डर दिया आपने देख लिया है ना, बड़ा कम ऑर्डर है, तो जब तक मेरा ऑर्डर आता है तब तक एक टूर कराते हैं हम आपको ज़रा पूरा गुलशन ढाबे का। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए फूडी विकी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको फूडी विकी चैनल लग कैसा रहा है।
यहीं से होती है गुलशन ढाबे के अंदर की एंट्री। तो बाय गॉड यार, ये ढाबे तो कहना ना इनको, मतलब बेकार ही है, ढाबा ना बोले इनको, अभी तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए हैं। क्योंकि देखिए ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है ना, इट्स लुक लाइक ढाबा, मतलब पुराने वाले ढाबे तो बिल्कुल वो खाट वाले होते थे, मैंने वो वाले भी इंजॉय किए हुए हैं। तो इस हॉल में इन्होंने ये थोड़े ये टेबल और बेंच लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैन चलते हैं, दिस इज़ नॉट एसी हॉल, ये हॉल है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये है एसी हॉल, ये फैमिली एसी हॉल है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अंदर आप आइए, पूरा एसी है, ठंडा है, फैमिली के साथ बैठिए, एंजॉय कीजिए। होय 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 होय, बाहर देखोगे ना कुल्फियाँ हैं, इसमें चार पांच तरह की कुल्फियाँ हैं दोस्तों। तो मैं तो खैर खा नहीं पाया यहाँ पे कुल्फियाँ, आप ज़रूर खाना। और ये देखो गोलगप्पे ना हर जगह मिल जाएंगे, और वैसे भी गोलगप्पे देख के तो मेरे तो भैया मुंह में आ जाता है पानी। और ये हर ढाबे की शान, पकोड़े, आलू के पकोड़े, मिर्च के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, हाय 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 हाय, मतलब पकोड़े देखो और बस खाते रहो खाते रहो। और ये देखो भाजी, पाव भाजी वाली भाजी ये, और ये भाई तो भाई ऑल फेवरेट बना रहा है भटूरा। तो मुरथल ढाबे पे ना ये कुछ दुकानें बनी हुई है, तो आप यहाँ मिट्टी के बर्तन देखिए, बड़े प्यारे मुझे लगे, तो मुझे लगा दिखाना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये मिट्टी के इतने सारे बर्तन है, देखिए कढ़ाई इतनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, वाह वाह वाह। और ये हांडी इज देयर, और ये ग्लास हैं, और ये देखिए कितने प्यारे कप हैं विद हैंडल, तो डेली यूज़ के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है घर पर। और ये जग है, तो हर चीज़ आपको मिट्टी की मिल जाएगी, बर्तन जैसे बोतल है, और ये पचरंगा अचार। तो आप जब भी ना हाईवे पे निकलते हो तो ये पचरंगा अचार आपको ज़रूर दिखाई देगा, जहाँ भी आप ढाबे पे रुकोगे ना, तो आप फील करोगे पचरंगा अचार वाली चीज़ें। और हर ढाबे की जो शान होती हैं ये रंग बिरंगी गोलियाँ। और साथ में ये चूरन, तो अपना तो आ चुका है फोन के भैया, खाना आ चुका है अंदर, तो हम चलते हैं अंदर अपने एसी हॉल के अंदर, और अभी खाते हैं खाना और वहीं दिखाते हैं आपको अभी के अभी। तो ये है अपना मसाला डोसा, और ये है अमृतसरी थाली, छोले हैं, और इसमें मेरे ख्याल से अमृतसरी कुलचे हैं ये वाले, हाँ जी हाँ। ये अपना दही में डालने वाले मसाले, काला नमक, चीनी, मिर्च, और ये क्या है, जीरा, चाट मसाला, और जी भाई मेरा तो पराठा आ चुका है, मैंने आलू प्याज का पराठा बोला था, वैसे तो ऑर्डर बहुत सारा था, मेरी फैमिली के साथ में मैं हूँ, तो मैंने अपने लिए स्पेशली आलू प्याज का पराठा बनाया था, और उसके साथ मैंने दाल मखनी ली है, चटनी इज़ देयर, दही इज़ देयर, काफ़ी कुछ है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बहुत बार खा चुका हूँ गुलशन का पराठा, टेस्ट में लाजवाब होता है, बावजूद उसके ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ। तो देखते हैं खा के कि टेस्ट अभी भी वही है क्या। तकरीबन एक साल बाद मैं गुलशन पे आया हूँ, तो मुरथल इन में इवन एक साल बाद आया हूँ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। वही ऑथेंटिक स्वाद, सिंपल प्रिपरेशन, और यकीन मानना दोस्तों पराठे का टेस्ट बदला नहीं है, पिछले 10-15 सालों से हम यहाँ पराठे खा रहे हैं, पराठे का एक जैसा स्वाद है। तो जब भी मुरथल आओ ना तो एक बार ज़रा पराठे ज़रूर चखना है यहाँ के दोस्तों, देन यू रियलाइज कि हाँ क्या पराठे अच्छे बने हैं नहीं बने हैं।
और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ के पराठे कैसे लगे, और कमेंट्स करके ये भी बताना है कि हमारे चैनल का कंटेंट आपको कैसे लगता है। तो देखते रहिए फूडी वीक के, एंजॉय करते रहिए फूडी वीक के। दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, और देखते रहिए फूडी वीक की। अगली बार फिर मिलते हैं कहीं एक अच्छी सी जगह से, या तो कुछ खिलाते हैं या फिर कहीं पे घुमाते हैं। टिल देन बाय बाय।